मौसम इश्क की चादर। आयशा प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कैसे चले छा लीजिए। आयशा मैं इतना बड़ा बोझ लेकर, अपने जमीन पर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जी सकता, ना ही जीना चाहता। आयशा मैं तुम्हारा हाथ छोड़ता हूं, प्लीज चले जाओ उसके पास। ठीक कह रहे हो, औरत घर मर्द और सोसाइटी के लिए बहुत अहम होती है। अच्छा डैड मैं बात करता हूं। देखो मुझे उसकी जरूरत है, हर कीमत पे मुझे शैला शैला से मिलवा दो। मैं करता हूँ शैला से बात। प्लीज शैला प्लीज, जिस बात के रौ में बहकर अपने आप को सजा मत दें और ना ही औरत को बेबस साबित करने की कोशिश करें। रहीम आपसे टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ना चाहता है, इसकी दिली ख्वाहिश है। आप एक औरत, भोली भाली औरत, बार बार मर्द के बहकावे में आ जाने में, और मैं एहसास का जलता हुआ दिया। दिए को अगर जलकर राख हो जाने का डर हो तो वो जले ही क्यों। आप चली जाइए। क्योंकि मैं हमाद और कलीम जैसे लोगों की दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। चली जाए यहां से। गॉड सलाम कहाँ रह गए, वी आर गेटिंग लेट। थैंक गुडनेस आप आ गए, कहाँ रह गए थे हम, लेट हो रहे हैं। आज डॉक्टर से रिपोर्ट सिखानी है। सॉरी फॉरगिव मी, मैं नहीं जा सकता, रिपोर्ट ही तो देने जानी है, तुम खुद हो क्या। क्यों आप क्यों नहीं जा सकते। डैड की तबीयत ठीक नहीं। अब डैड को क्या हो गया। पता नहीं क्या हो गया है, बात बात पर गुस्से हो जाते हैं। मम्मी की डेथ का असर उन्होंने बहुत ज्यादा अपने दिल पे ले लिया। कम ऑन अर्सलान, आप अच्छी तरह से जानते हैं डैड को मम्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई गेस उनका बीपी शूट अप हो गया होगा, आप कोई टैबलेट दे दें वो ठीक हो जाएंगे। बगैर चेकअप के दवाई कैसे दे दूं। मैं डॉक्टर को बुलाया बात है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर आकर चेक कर जाएगा ना। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और मैं यही बताने आया हूं तुम्हें, मुझे लगता है कि आप लोगों की फ्रेंडशिप हो गई है। इनकी मदर की डेथ हो गई है ना, तो हम इनका दिल बहला रहे हैं। मुश्तरका गम ने हम सबको एक दूसरे के करीब कर दिया।
Can I play? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों ने हमारा को एक्सेप्ट कर लिया। मगर हसन, मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारा के अपने बच्चे हो जाएंगे, उस वक्त वो शायद साद और आरफा को वो प्यार ना दे सके। बहुत फिक्र है मुझे इस बात की। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। अम्मी, हमारा अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे। सिर्फ बच्चों जैसी बात कर रहे हो। औरत माँ बनने की फितरी ख्वाहिश को भला कैसे दबा सकती है? अम्मी, असल बात यह है कि हमारा माँ नहीं बन सकती। क्या, ये तुम कैसे कह सकते हो? अम्मी, असल बात यह है कि अंकल फिरोज ने मुझे बताया था कि हमारा कॉपरेशन होता जिसमें वो अपनी मां बनने की सलाहियत खो बैठी है। ये कैसे झूठे लोग हैं। जब अहमद से शादी करना चाहते थे तो कहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अब हसन मुराद को ये कहकर चकमा दिया कि हमारा मां नहीं बन सकती। अम्मी, क्या बात है, क्या सोच रही हैं आप? हसन, मैं ये सोच रही हूँ बेटा कि जिस औरत में माँ बनने की सलाहियत ही नहीं, उसमें मामता ही नहीं है, भला तुम्हारे बच्चों को क्या प्यार दे सकती है? हमारा तुम फिर रो रही हो। इस मॉम की याद आ गई थी इसलिए। मेरी तरफ देखो। माँ के बिछड़ने का गम जब भी उसकी तरफ पलट कर देखोगे तुम्हें ताजा ही मिलेगा। लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे यह एहसास होता है कि शायद मुझसे शादी करके खुश नहीं। मैंने आपसे शादी अपनी मर्जी से की थी, किसी ने भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। तो फिर क्या, मैं तुम्हारी तवक्कोआत पर पूरा नहीं उतरा? आप एक अच्छे और ख्याल रखने वाले इंसान हैं। अम्मी ने कुछ कहा? बिलीव मी, मैं अपनी मॉम की वजह से डिस्टर्ब। प्लीज आप मुझे शक की नजर से मत देखा कर, प्लीज। मैं तुम्हें शक की नजर से नहीं, प्यार की नजर से देखता हूं। प्यार की? वो तुम्हारे जैसे शख्स के लिए
کیوں سجید سے گزرے جسے حلالہ کہتے ہیں؟ میں بھی تو اس کے لیے اس اذیت سے گزرنے کے لیے تیار ہوں. یہی تو فرق ہے تم میں اور اس میں. کیا فرق؟ عشق کی چادر. ہاں پیار, تمہارے بیہیویئر نے ثابت کر دیا ہے کہ تم بہت اچھی ہو, پیار کے قابل. تمہیں بہت سا پیار ملنا چاہیے, لیکن جب بھی تمہیں اداس دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ مجھے تم سے شادی سے پہلے بات کر لینی چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں آپ سے خود رابطہ کرتا. آپ کو سب کچھ بتا دیتی. جانتا ہوں, اور مجھے یقین بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن کیا کریں, ارینج میرج کا یہی المیہ ہے کہ جب بھی دونوں میں سے کوئی ایک فریق اداس یا پریشان ہوتا ہے تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید دوسرا فریق اس سے خوش نہیں. میں خوش بھی ہوں اور خوش نصیب ہوں آپ جیسا پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہم سفر بہت کم لوگوں کی قسمت میں لکھا ہوتا. میں کل گئی تھی شہلا سے ملنے, لیکن تمہاری خاطر نہیں, ایک معصوم زندگی بچانے کے لیے کیا ہے میں نے یہ سب کچھ. کیا کہا کیا شہلا نے؟ بالکل وہی جو اسے کہنا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیے تھا اسے؟ وہ تمہارے جیسے شخص کے لیے کیوں سجیت سے گزرے جسے حلالہ کہتے ہیں؟ میں بھی تو اس کے لیے اس اذیت سے گزرنے کے لیے تیار ہوں. یہی تو فرق ہے تم میں اور اس میں. کیا فرق؟ تمہیں اس سے آج بھی محبت نہیں, صرف ہمدردی ہے, جبکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے. اسی لیے تمہارے علاوہ کسی اور وجود کو برداشت کرنا اس کے لیے کسی بھی لحاظ سے موت سے کم نہیں. وہ کسی صورت تمہاری طرف نہیں لوٹے گی کلی, اور اب میں بھی واپس جا رہی ہوں امریکہ. چلی جانا, ضرور چلے جانا, مگر مجھے صرف اتنا بتا کے جاؤ کہ میں کہاں جاؤں. بیوی کو تو کھو چکا ہوں, اور جس کو زندگی میں سب سے زیادہ ٹوٹ کے چاہا وہ مجھ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں. آخر قصور کیا ہے میرا؟ صرف اتنا کہ ایک کی وفا پہ یقین کیا تو دوسرے کی محبت پر, بس. لیکن جانے سے پہلے صرف ایک بار, صرف ایک بار خود کو میری جگہ رکھ کے سوچنا, دھوکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے,
क्या शैला की फैमिली को नहीं चाहिए था कि वो शैला की प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करते, मुझे बताते? तुम तो सिर्फ एक ही बात की रट लगाते हो, मर्द दगाबाज, मर्द गलत, मर्द फला, कि औरत का कोई कसूर नहीं होता। क्या वो रिश्ते जो झूठ की बुनियाद पर रखे जाते हैं, क्या वो कायम रह सकते हैं? नहीं रिशा, डायवोर्स में सिर्फ मर्द का हाथ नहीं होता बल्कि औरत का भी होता है। औरत भी कसूरवार होती है। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे तुम। यार अकमल, क्या हो गया तुम्हें? मर्द बनो, क्यों बच्चों जैसी हरकतें करके बच्चों को परेशान कर रहे हो? मैं इन्हें परेशान नहीं कर रहा, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे बीमार तसव्वुर किए हुए हैं यार। कभी डॉक्टर को बुलाते हैं, कभी मेडिसिन ले आते हैं। मैं बीमार नहीं हूं। अच्छा अच्छा, तुम बीमार नहीं हो तो फिर कमरे में क्यों अपने आप को बंद किया हुआ? यार फिरोज, मेरी बीवी की डेथ हुई है, साला साल का साथ था हमारा वो टूट गया है, तो चार रोज तो सोग मना लेने लो। देखो अकमल, सोग 3 दिन का होता है, तुम पहले ही हाई बीपी के पेशेंट हो, टेंशन लोगे तो मजीद परेशानी का बायस बनोगे, तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें सख्ती से रेस्ट करने की हिदायत दी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम शैला के पास जाओ, तुम गए थे। जी डैड, गया था मगर उसने मिलने से इनकार कर दिया। क्यों मिलने से क्यों इनकार कर दिया? किसी ने बताया कि थोड़ी देर पहले कोई अलीशा नाम की औरत है जो शैला से मिलकर गई, और उसके जाने के बाद शैला काफी डिस्टर्ब और उसने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। अब तुम बताओ मुझे टेंशन होगी या नहीं? डैड, मैं फिर जाऊंगा, दोबारा जाऊंगा उसके। देखो मैं भी अरसलान बेटे के साथ जाऊंगा और इंशाल्लाह हम शैला को कायल करके ही वापस आएंगे। यार फिरोज, मैं अपनी बीवी को तो बचा नहीं सका, कम से कम बेटी को ही बचा लो। शैला को बचाने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सोचो, समझो इसको। आप अहमद को बोलें कि वो वापस आ जाए। सोच तो मैं भी यही रही हूं, मगर मैंने जिस कलीम को टूट के चाहा वो तो जिंदा है, फिर मैं भला उसे छोड़ के कहां जा सकती? सब्र का मौसम, सब्र का मौसम।